मैंने अपना बीएससी किया था यही पूसा से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। और फिर मैंने पीजी का शुरू कर दिया था प्रिपरेशन थर्ड ईयर से ही, और फिर मैंने उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया आईसीआर पीजी का, और ये फिर रिजल्ट। बहुत हमारे भारत के जितने भी 60% के लगभग जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा बात है कि हम एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा। सफलता के इस पायदान पर खड़ी होकर जब आप पीछे की ओर मुड़ती हैं तो किसका किसका कंट्रीब्यूशन पाती हैं, किनका किनका योगदान है सफलता के पीछे? जी मेरे मम्मी पापा का, उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा किया, बिलीव किया मेरे में, और फिर बहुत ही मोटिवेट किया, मेरा सहयोग किया। गॉडफादर थे कि इस फिल्मी मीडिया को आगे बढ़ाना है। शुरू से किसान परिवार से हैं। अच्छा। और ये लगा जो है सो या वो भी यहाँ समस्तीपुर जो है सो किसान। हमारी कविता की बेटी निकल के पूरे बिहार का पूरे जिले का नाम रोशन किया है देश स्तर पे, इसके लिए हम सभी लोग काफी गौरवान्वित हैं। नमस्कार, मैं सौरभ जायसवाल, अगली वीडियो श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार और हमारा जिला समस्तीपुर, समस्तीपुर का पिछले दिनों पूरे देश में प्रतिभा के मामले में एक बार फिर से डंका बजा है। चाहे पिछले दिनों अंडर 19 क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी का चयन, कला के क्षेत्र में अनुप्रिया बॉलीवुड के लिए चयनित हुई हो, और अब शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह चुकी हैं यहाँ की श्रेया श्री। इस वक्त मेरी मौजूदगी समस्तीपुर में है और इस वक्त मैं श्रेया श्री के घर पे मौजूद हूँ, और इन्होंने ICAR का जो एग्जाम्स होता है एग्रीकल्चर के लिए, ICAR एग्जाम्स में पूरे ऑल इंडिया लेवल में थर्ड पोजीशन को प्राप्त किया है, और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में पूरे नंबर वन पोजीशन को प्राप्त किया है। आइए हम श्रेया श्री से बात करते हैं, जानते हैं इनके सफलता के पीछे क्या कहानी है, क्या संघर्ष रहा और किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा। बने रहिएगा हमारी वीडियो में। कहते हैं मॉर्निंग शोज द डे, पूत के पांव पालने में ही दिखने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में श्रेया श्री ने समस्तीपुर में एक बार फिर से शिक्षा का अलग जगह कर पूरे भारत में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इस वक्त श्रेया श्री हमारे वीडियो में मौजूद है। श्रेया श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दर्शकों के साथ। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है ICAR का एग्जाम, एग्रीकल्चर विभाग और उसमें भी पूरे भारत में एंट्रेंस एग्जाम में तीसरा पोजिशन प्राप्त करना? जी बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। समस्तीपुर की अगर हम बात करें तो यह क्षेत्र काफी सुदूर देहात बोला जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में रह करके और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ऑल इंडिया लेवल पर थर्ड पोजीशन को प्राप्त करना, अगर बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में आप नंबर वन पोजीशन आई है, आखिर ये सफलता का कारवां कैसे बना? सबसे पहले तो मैंने अपना बीएससी किया था यही पूसा से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, और फिर मैंने पीजी का शुरू कर दिया था प्रिपरेशन थर्ड ईयर से ही, और फिर मैंने उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया आईसीआर पीजी का, और ये फिर रिजल्ट आया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अमूमन लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी लेते हैं तो इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल का सेक्टर ही चुनते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मुझे कृषि के क्षेत्र में आगे जाना चाहिए? आप बड़ी होकर के नो डाउट कि आप कृषि वैज्ञानिक भी बन सकती हैं, तो ये प्रोसेस किस तरीके से रहा, थोड़ी सी वीडियो में झलकी ताकि अन्य दर्शकों को भी थोड़ा सा इसके बारे में वो अवगत हो जाए और आपसे शायद इंस्पायर हो सके। जी जैसा कि हम जानते हैं एग्रीकल्चर वो सारे किसान, बहुत हमारे भारत के जितने भी 60% के लगभग जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा बात है कि हम एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हैं, और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है इस सफलता के इस पायदान पर खड़ी होकर जब आप पीछे की ओर मुड़ती हैं तो किसका किसका कंट्रीब्यूशन पाती हैं, किनका किनका योगदान है सफलता के पीछे? जी मेरे मम्मी पापा का, उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा किया, बिलीव किया मेरे में, और फिर बहुत ही मोटिवेट किया, मेरा सहयोग दिया, तो उन लोग का बहुत ज़्यादा योगदान है इसमें। एडुकेशन एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा दीपक है जो कितना भी अंधेरा हो उस जगह को रोशनी से भर देता है, ऐसे ही बिहार की बेटी ने कमाल कर दिखाया है। श्रेया, ये प्रश्न पूछते हुए मैं खुद भी रोमांचित हो रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी बिहार का हूँ, समस्तीपुर का हूँ, और आप भी समस्तीपुर के ही हैं। पिछले दिनों समस्तीपुर का डंका पूरे भारत में बचा, चाहे वो वैभव सूर्यवंशी का चयन हो या फिर अनुप्रिया का चयन हो, और अब आपका। इस इंटरव्यू को लेते वक्त मुझे भी बड़ी खुशी महसूस हो रही है। समस्तीपुर में आखिर, समस्तीपुर की मिट्टी में आखिर कौन सी ऐसी बात है जो ऐसी प्रतिभा को जन्म दे रहा है? आपका प्राइमरी एजुकेशन या फिर हाई स्कूल, थोड़ा सा संक्षेप में हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए।
जी, मैंने अपना 10th और 12th सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल से किया था दलसिंहसराय से, और फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन पूसा से किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, और फिर मैंने अपना ICRPG का एग्ज़ाम दिया है और फिर ये रिजल्ट आया है अभी। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि श्रेया अब आगे जाकर एग्रीकल्चर में अपना नाम कमाएगी, कुछ ना कुछ रिसर्च करेगी और समस्तीपुर के लिए विशेष काम करेगी? जी बिल्कुल। क्या करना चाहती है आगे, एग्रीकल्चर में क्या करना चाहती है? जी अभी तो ये है कि मेरा MSc कंप्लीट हो जाए, फिर PhD करना है, और उसके बाद फिर प्रोफेसर या फिर अगर रिसर्च फील्ड में जाने का मौका मिला तो वो कर सकता। ये समस्तीपुर की बेटी है श्रेया है। आप भी इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में भर भर के प्यार दीजिए, बधाई दीजिए, और ये बधाई संदेश रुकनी नहीं चाहिए। पूरे भारत में इस बेटी को वायरल करते हैं और शिक्षा का अलग पूरे राष्ट्र में जगाते हैं। श्रेया, इस वीडियो में आप आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सो मच। अब हम उनके पिताजी से बात करते हैं और आपको दिखलाते हैं कि सफलता का जो कारवां शुरू होता है, अब यह जी फ्रेम में सफलता का जो कारवां शुरू होता है तो इसके लिए एक कोई नैरो ऐसा कोई रास्ता नहीं होता, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया होती है। और आप श्रेया जी के पिताश्री हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में। थैंक यू। सर कैसा लग रहा है आपकी, आपकी बिटिया ने सफलता का परचम लहराया है, समस्तीपुर का मान बढ़ाया है, पूरे बिहार का नाम बढ़ाया है, वरन पूरे राष्ट्र का नाम आज? वो तो मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ, और यह शुरू से ही मेहनती थी, इस पर हमें भरोसा था ये आगे बढ़े, और ईश्वर की कृपा हुई जो ये आज ये मुकाम पर पहुंचा। जब ग्रेजुएशन करने की बारी आई तो अचानक से एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ना, मतलब अचानक से आइडिया कैसे आया, या फिर कोई गॉड फादर थे कि इस फील्ड में बिटिया को आगे बढ़ाना है? शुरू से किसान परिवार से हैं। अच्छा। और ये लगा जो है सो या वो भी यहाँ समस्तीपुर जो है सो किसान का क्षेत्र है, इसलिए हुआ जी इसमें भी आगे बढ़ के कुछ काम करेगी और समाज को कुछ अपना जो है सो इसे जो बन पाए सो दे पाए इसके लिए इसी। और जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो ICAR का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें पूरा ऑल इंडिया में 3rd पोजीशन, बिहार में नंबर 1 पोजीशन, क्या आपको ये एक्सपेक्ट था कि बिटिया रानी को कोई इतनी बड़ी सफलता मिल जाएगी? हाँ, इसके मेहनत पर हमें भरोसा थी, मेहनत पे भरोसा था। जी जी। हमारे दर्शकों से, खास के उन दर्शकों से क्या करना चाहेंगे जो सुदूर देहात में तो रहते हैं, बेटों को तो महत्व देते हैं एजुकेशन में, लेकिन बेटियों के एजुकेशन को थोड़ा कम आंकते हैं, तो आप वैसे गार्डियंस को क्या कहना चाहेंगे? बेटा से बेटी कमजोर नहीं है, और सभी बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, और समाज के, राष्ट्र के, जिला के सभी जो है सो बच्चे से ये हम आगे अपेक्षा करते हैं, वो भी आगे बढ़े, यही हमारे शुभकामना। आप इस वीडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। इस वीडियो में श्रेया के साथ साथ इस क्षेत्र के लोकप्रिय जिला पार्षद अमन पराशर जी मौजूद हैं, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। इस क्षेत्र में जब भी हमारा आना होता है, एक से एक प्रतिभा से रूबरू मैं होता हूं, आखिर राज क्या है इसका? हमारा क्षेत्र जो है प्रतिभाओं से संपन्न पहले से रहा है, और प्रतिभाओं को निखारने का एक मौका जब मिला तो आज यहाँ की बच्चियाँ और बच्चे अपनी प्रतिभाओं को निकाल के देश स्तर पर अपना नाम रोशन कर रही है, ये हम लोगों के लिए गौरव का क्षण है, और मेरे लिए इस गांव के लिए, इस टबका के गांव के लिए, टबका 22 टोला है, इस पूरे 22 टोला के लिए गौरव का क्षण है कि हमारी एक टबका की बेटी निकल के पूरे बिहार का, पूरे जिले का नाम रोशन की है देश स्तर पर, इसके लिए हम सभी लोग काफ़ी गौरवान्वित हैं, और आप लोगों को भी धन्यवाद है कि आप लोग इतने दूर से आके हमारे गाँव में आके इस बच्ची के मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए, और इनके मनोबल बढ़ने से आसपास के समाज के जो भी बच्चियां हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लोकप्रिय जिला पार्षद अमन पराशर जी। आइए हम इनके भ्राताश्री यानी भाई जी से बात करते हैं, और कैसा लग रहा है, रक्षाबंधन हाल ही में गया है और आपकी बहना ने एक बहुत बड़ा अमूल्य तोहफा दे दिया है आपको, तो कैसे आप इसको बधाई को रिटर्न करेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारी बहन पूरे देश में तीसरा स्थान और बिहार में पहले स्थान पर आई है ICRPG का एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत अच्छा लग रहा है, और बहन और आगे बढ़े और अच्छा से जाए, वैज्ञानिक बने, अलग पोस्ट में जाए, बहुत अच्छा लगे। जब पढ़ाई करती थी घर में तो मतलब कैसा माहौल होता था उस समय, क्योंकि पूरा आपने एक बचपन से लेकर के है ना यहाँ तक का सफर आपने खुली आंखों से देखा होगा, तो बचपन में पढ़ाई में कैसी थी, क्या शरारते, क्या कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे दर्शक हमारे इंस्पायर हो सके। नहीं देखिए, सब चार भाई बहन है, हम चार भाई और चार बहन है, सबसे छोटी है, भाई बहन में सबसे छोटी, और बचपन से ही पढ़ने में सबसे ज्यादा मतलब फोकस रहता था, और पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन लगता था इसका, बहुत ज्यादा। तो
जैसे कि मैंने इस वीडियो में शुरू में ही कहा कि मॉर्निंग सोज द डे पूत के पांव पालने में ही दिखने शुरू हो जाते हैं, और इस वीडियो में जीता जागता उदाहरण मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। दर्शकों अपना प्यार बनाए रखिएगा यूट्यूब और फेसबुक पर, सौरभ जसवाल को प्यार देते रहिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में प्यार दीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, और अब अपने दोस्त सौरभ जसवाल को दीजिए अनुमति। मिलेंगे अगली वीडियो श्रृंखला में। नमस्कार, जय हिंद।